वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। यूजीसी ने की पीजी छात्रों के लिए 1000 स्कॉलरशिप देने की घोषणा, हर माह मिलेगा 7800 रुपया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीजी यानी स्नातकोत्तर के 1000 छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। ये योजना समाज के वंचित वर्ग के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी और ऐसी अन्य डिग्री जैसे पेशेवर विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्र यूजीसी की इस स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमाल, मध्य प्रदेश को 35 दिनों में 44 फ्लाइट्स मिली, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर पर फोकस। मध्य प्रदेश इस समय तेजी से उड़ान भर रहा है। पिछले 35 दिनों में इसे कुल 44 फ्लाइट्स मिली हैं। ज्यादातर नई फ्लाइट्स स्पाइस जेट और इंडिगो की ओर से शुरू की जा रही हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां से भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया। जबलपुर के लिए 8 नई फ्लाइट्स दी गई हैं, जबकि इंदौर के लिए 6 नई फ्लाइट्स दी गई हैं। खाने का तेल अब होगा सस्ता, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इंपोर्ट ड्यूटी में की भारी कटौती। महंगे खाने के तेल से आम लोगों को राहत मिलने वाली है। सरकार ने सोया तेल और सनफ्लावर तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 7.5% कर दिया। इससे पहले सरकार ने क्रूड पाम ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी। अब देखा जाए तो सारे टैक्स मिलाकर प्रभाव ड्यूटी कटौती 8.25% हो चुकी है। कुल ड्यूटी 38.50% से घटकर 30.25% पर आ चुकी है। गैस वितरक बदलने की सुविधा दी, भोपाल में कल से गैस वितरक बदलकर बुक कर रहे हैं रसोई गैस सिलेंडर। तेल विपणन कंपनीज ने अपने रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस वितरक बदलने की सुविधा दे दी। ये सुविधा शुक्रवार से भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में उपलब्ध हुई। प्रारंभिक चरण में ये सुविधा केवल IOCL की इंडियन गैस के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तेल कंपनीज के अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को इस सुविधा के लिए IOCL के इंडियन ऑयल 1 ऐप को डाउनलोड करना होगा। लोकेशन ट्रैक होते ही आपके एरिया में सेवाएं दे रही या फिर देने की इच्छा रखने वाली गैस एजेंसीज के विकल्प आपको मिल जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता को पुलिस ने धक्के मारकर निकाला, कांग्रेस ने कहा टिकाऊओं का सम्मान हो। बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता गोविंद मालू के साथ इंदौर में पुलिस ने गलत व्यवहार किया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर में कार्यक्रम स्थल का है। गोविंद मालू को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने से रोका जा रहा है, उन्हें पुलिस धकिया कर बाहर निकाल रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, मध्य प्रदेश में अंडर ग्रेजुएशन की एडमिशन प्रक्रिया 1 अगस्त 2021 से शुरू हो गई। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद कल 20 अगस्त को फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट लिंक 25 अगस्त तक खुली रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशन आमंत्रित किए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की मंत्री से चर्चा टली, अब 24 को होगी। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से बर्खास्त व निलंबित कर्मचारियों की चर्चा टल गई, अब 24 अगस्त को होनी है, तब तक कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है, इनका परिवार प्रभावित हो रहा है। ये चर्चा गुरुवार को होनी थी जिसमें सभी कार्यवाही वापस लेने पर चर्चा प्रस्तावित थी। कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के द्वारा बताया गया कि मंत्री भोपाल से बाहर थे, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्र विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक मोहल्ले में कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद सहित राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को फोन पर भाषा को बताया, इस सिलसिले में कल देर रात से अब तक हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मध्य प्रदेश में अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले, मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में तबादले अब 31 अगस्त तक हो सकेंगे, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से तबादले नहीं हो पाए थे, इसलिए प्रदेश और जिला स्तरीय तबादलों की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, मोहर्रम, जन्माष्टमी पर छुट्टी के दिन भी बिजली बिल केंद्र खुले रहेंगे।
बिजली वितरण कंपनी अगस्त के शेष दिनों में अवकाश दिवसों पर भी बिल भुगतान केंद्र खुले रखेगी। यहां कार्यालयीन समय में बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण केंद्र के डायरेक्टर मनोज झंवर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के सभी 434 जोन वितरण केंद्र स्थित बिजली बिल भुगतान केंद्र कल 20 अगस्त मुहर्रम को भी खुला था। आज 21 अगस्त शनिवार, 29 अगस्त रविवार व 30 अगस्त जन्माष्टमी के दिन बिल राशि स्वीकार करने के लिए खुले रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में भगवा रंग में रंगा घोड़ा, दर्ज हुआ मामला। जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी के नए मंत्री अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन अब ये यात्राएं विवादों के घेरे में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में समर्थकों के साथ एक घोड़ा भी नजर आ रहा था, जो कि भगवा रंग से रंगा गया था। इसे लेकर अब नया विवाद पैदा हो गया है। घोड़े को रंगे जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन आशीर्वाद यात्रा संचालकों के खिलाफ इंदौर के संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिवराज सरकार से एक बार फिर जूनियर डॉक्टर नाराज, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार से एक बार फिर जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए। अपनी नाराजगी को लेकर जूडा का प्रतिनिधिमंडल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलने पहुंचा, लेकिन उनकी मुलाकात विश्वास सारंग से नहीं हो सकी। प्रदेश में 2 महीने पहले जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन में शामिल हुए जूनियर डॉक्टर पर अब कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर 5 वेदर सिस्टम बने हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3 सिस्टम मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। इस वजह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शुक्रवार शनिवार को भी राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 9 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महामारी में भी रेलवे ले रहा यात्रियों से 30% अधिक किराया। महामारी में लोगों को रियायतों की जरूरत होती है। सरकारें कई रूपों में रियायत दे भी रही हैं, लेकिन रेलवे है कि हजारों यात्रियों से रोजाना 25-30% अधिक किराया ले रहा है। ये किराया विशेष ट्रेन के नाम पर लिया जा रहा है। ये वो ट्रेन हैं जो रक्षाबंधन त्योहार पर अधिक दबाव वाले रेल मार्गों पर चलाई जा रही हैं। इनमें यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही, बल्कि रोजाना चलने वाली ट्रेन के सामान ही इंतजाम है। रेलवे का तर्क है कि स्पेशल ट्रेन को चलाने में अलग से इंतजाम करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है तालिबान का सर्वोच्च नेता, भारतीय अधिकारी ने दिए संकेत। तालिबान का सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा कहाँ है? भारत सरकार गुप्त विदेशी खुफिया एजेंसी की ओर से शेयर की गई जानकारियों का अध्ययन कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संकेत दिया कि वो पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हो सकता है। बीते 6 महीनों से तालिबान के वरिष्ठ नेताओं और लड़ाकों ने उसे नहीं देखा। आखिरी बार उसका बयान मई में आया था। पीएमएवाई के लाभार्थियों को मिली 30,000 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता, कहीं इन वजह से तो नहीं लटकी आपकी सब्सिडी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते होम लोन के लेनदारों को ब्याज सहायता के तौर पर अब तक 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। ये दावा राष्ट्रीय आवास बैंक ने किया। ये योजना जून 2016 में हुई थी। एनएचबी के कार्यकारी निदेशक राहुल भावे ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार की योजना के हिस्से के तौर पर पात्र कर्ज लोनदारों के पिछले 5 साल के दौरान हमने 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई है। केंद्र ने खत्म किया सरकारी नौकरियों में 4% दिव्यांग आरक्षण। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के संबंध में बड़ा फैसला किया है। दरअसल सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 4% आरक्षण का कोटा हटा दिया। केंद्र ने आईपीएस, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली से पुलिस बल और केंद्रीय के सभी लड़ाकू पदों पर विकलांगों के लिए 4% नौकरी आरक्षण हटा दिया है। अब फेसबुक भी देगा बिजनेस के लिए लोन। 5 रुपए से 50 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फेसबुक ने भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय आरंभ करने के इच्छुक युवाओं को लोन देने की घोषणा की। फेसबुक ने कहा कि लघु व्यवसाय आरंभ करने के लिए युवा 5 रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए इंडीफी के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें पैसा फेसबुक की ओर से दिया जाएगा, जबकि पैसा किसे देना है और उसकी रिकवरी किस प्रकार की जाएगी, इसका अंतिम निर्णय इंडीफी के द्वारा किया जाएगा। प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध, भारी भरकम चालान काटा जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जारी कर देश में 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। इसमें 1 जनवरी 2022 से 6 वस्तुएं प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडियां और पॉलीस्टायरीन की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, अब आप घर बैठे कर सकते हैं ये काम।
अब यात्रियों को अनारक्षित टिकट के लिए टिकट काउंटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और न ही उन्हें एटीवीएम स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए काउंटर पर जाना होगा। दोनों ही मामलों में काउंटर से जारी किया जाता है। अब ऑनलाइन अनारक्षित टिकट भी घर बैठे काटे जा सकेंगे। मोबाइल वेबसाइट पर यूटीएस के माध्यम से एटीवीएम स्मार्ट कार्ड के ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा विकसित की गई है। इंदौर मनमाड रेलवे लाइन को लेकर हाईकोर्ट में फिर शुरू होगी सुनवाई। इंदौर मनमाड रेल परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जनहित याचिका में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। याचिका 2011 से लंबित है। पहले पक्षकारों के समय पर जवाब नहीं देने की वजह से और फिर महामारी के चलते इसकी सुनवाई टलती रही। इस बीच कुछ कुछ हिस्सों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। हाल ही में ये याचिका एक बार फिर से सुनवाई के लिए लगी। 2025 तक पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। बदल जाएगा बिजली बिल पेमेंट का तरीका। अब पूरे देश में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। आपको बता दें कि बिजली मंत्रालय ने कुछ दिन पहले सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी थी कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें। अब बिजली मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनीज के वित्तीय हालात सुधरेगी, जो अब तक बिजली बकाए बिल के बोझ तले दबी हुई है। लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं छोटी एसयूवी। दमदार सेफ्टी फीचर्स और माइलेज के चलते बिक्री में 138% का इजाफा। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में कॉम्पैक्ट कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ सालों में कार खरीदने के मामलों में लोगों का नजरिया काफी हद तक बदल गया है। लोग अब एडवांस फीचर्स और लुक के साथ ही सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस मामले में टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन एक बड़ा नाम बनकर उभरी है। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इस एसयूवी को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते लोग तेजी से इस एसयूवी की तरफ मुखर हो रहे हैं। किसानों की आमदनी कम हुई या ज्यादा, मांगेंगे इसका हिसाब। मोदी के पुराने बयान का जिक्र कर बोले टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अब सरकार से हिसाब मांगेंगे कि केंद्र द्वारा आय दुगनी करने के वादे का क्या हुआ। दरअसल केंद्र सरकार और पीएम मोदी द्वारा कई मौकों पर कहा गया कि उनका लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने का है। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी। 2015 में किसानों का बासमती धान 4600 बिक रहा था, आज बिक रहा है 2600 रुपए क्विंटल। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एमपी में हुआ पाबंदियों में इजाफा। 30 अगस्त तक बढ़े कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंध। देश में कोरोना महामारी का आतंक अब भी थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। आगे इस बढ़ोतरी पर विराम लगाया जा सके, इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाने का फैसला लिया। ये प्रतिबंध 30 अगस्त से लागू रहेंगे। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर है और पिछले दिनों मरीजों का आंकड़ा दहाई से नीचे पहुंच गया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।